आदाब, आगे जरा मैं एक बार फिर खुश आमदीद। आज तवक्को थी कि असेंबली के इजलास में कोई करारदाद आएगी या कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा, लेकिन आज नहीं हुई। आज थोड़ी बहुत एक्टिविटी हुई, वो बात कल तक टल गई। कल शायद कोई करारदाद की बातें हो रही हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बातें हो रही हैं, सदर साहब की हिमायत, वज़ीर आज़म साहब की हिमायत की बातें हो रही हैं। एनपी ने कह दिया कि हम हिमायत करेंगे और कोई गैर आइनी काम नहीं होने देंगे। मियाँ साहब की तरफ से आया कि इस किस्म का काम नहीं होने देंगे, हम एहतजाज करेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं मियाँ साहब को कि भाई करना है तो इस्तीफे दो, वरना ऐसी बातें क्यों करते हो। सवाल यह है कि कोई भी जो कुछ कर सकता है वो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन हर कोई शिकायत किए चले जा रहा है। और सदर साहब आराम से पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में बैठ के दुबई चले गए और कल इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे, और वो यूँ ही आते जाते रहेंगे और बात चलती रहेगी। मंसूर जहाज साहब ने अब तक वीज़े के लिए अप्लाई नहीं किया, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने तैयारे से उन्होंने आना है, अपने तैयारे से जाना है, रिसीव सुप्रीम कोर्ट ने करना। बगैर वीज़े के बहुत लोग आते जाते हैं, और अल्लाह भला करे सेनेटर कैरी तो जो हैं वो रेमंड डेविस के साथ साथ दो चार बंदे वैसे ही ले गए थे, तो वो भी कोई मसला नहीं है। वीज़े की कोई कैद नहीं है पाकिस्तान में आने जाने के लिए, ख़ासतौर पर खसूसी लोगों के लिए। तो ये भी एक मैं समझता हूँ अफवाहें। अगर उन्होंने आना हुआ, अगर अल्लाह ताला ने और बड़े चौधरी ने फैसला कर लिया कि मंसूर जहाज साहब ने आके कुछ कहना है तो आ जाएंगे। उनके आने के बाद क्या होगा, अब ये देखना है कि उनके आने के बाद कल एक करारदाद के बाद आपस के बयान के बाद होना क्या है। एक उम्मीद है लोगों को, एक ख्वाहिश है, उम्मीद भी नहीं कहता चलिए किसी दिल आज़ारी होगी, ख्वाहिश है लोगों की कि कोई तब्दीली आ जाएगी, कि शायद कोई रिलीफ मिल जाएगा, कहीं से डॉलर जो है वो 38 रुपये का हो जाएगा और पेट्रोल जो है वो इस हद तक सस्ता हो जाएगा कि अपने ऊपर डाल के आग लगाने के अलावा भी किसी काम आ सके। डीजल 95-100 के हिसाब में शायद कुछ कमी हो जाए, चीनी जो है वो चीन में ना रह जाए, हमारे पास भी आ जाए, बिजली गैस मिल जाए, कोई काम की बातें हो जाएं। और जो लोग हुकूमत को बदलने की बातें कर रहे हैं वो धमका तो रहे हैं, डरा तो रहे हैं, शोर तो बड़ा कर रहे हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा वो करने की जिससे हुकूमत बदली जाए। और वैसे कह जा रहे हैं बदलेगी बदलेगी बदलेगी, कैसे बदलेगी भाई? आईन सिस्टम कवानीन, एनपी ने कह दिया कि भाई वो अभी तो आपके अल्लाह भला करे वोटर रजिस्ट्रेशन का मामला, तो इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते। सेनेट के इलेक्शन की भी आज 12 के बजाय 2 तारीख कर दी, वो डेट दे दी। अब देखना है कि वहाँ तक बात बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। हमारे आज मेहमान हमारे साथ कराची में सरदार अशरफ साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, एनलिस्ट, थैंक यू सर वेरी मच। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ लेके आए। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद नुमान साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है, और जमात इस्लामी से फरीद पराचा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला तशरीफ लेके आए। अब सर मैं आपसे पता करता हूँ, बल्कि सियासतदानों से होके आते हैं अगर आप इजाज़त दें तो। पराचा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, तब्दीली तब्दीली की जो बातें हो रही हैं, आप भी तब्दीली की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं पकड़ रहा, और ना PMLN इस्तीफे दे रही है, ना PTI अपनी स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल कर रही है। जो सियासी जमातें मुफाहमत में हैं वो भी कहती हैं मुफाहमत में रहेंगे। तो ये तब्दीली आने की आपको कोई वाज़े इम्कानात दिख रहे हैं, और उसका तरीकाकार क्या होगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मामलात तो जिस दर्जे पे और जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, अब उसके बाद कोई रास्ता तो खुद हुक्मरानों को देना है, और अगर वो रास्ता नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाजे सी एक लाइन दी है, 16 उसकी तारीख भी मुकर्रर की है। तो मामलात ऐसे नहीं है कि जो गैर वाजे हो, मामलात तो वाजे हैं। अब एक वाजे मामलात के अंदर अगर हुक्मरान ये समझते हैं कि वो इसी तरह से ही कौम को धोखा दे के, अदालत को धोखा दे के, और इसी अंदाज की एक महाराई के अंदर वो कुछ दिन और निकाल लेंगे, सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा, कोई कमीशन कायम कर देंगे, कमीशन को वो आगे ले जाएंगे उसको, और फिर इसी तरह से आंखें बंद करके खतरे को टाल देंगे, तो ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त आम आदमी ये बात समझता है कि मौजूदा हुक्मरानों ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है, महंगाई, बेरोजगारी, बदमनी, लोड शेडिंग इस दलदल के अंदर धंसा दिया है। सियासी जमातें ये समझ रही हैं कि एक ऐसे पॉइंट के ऊपर हुक्मरान ले आए हैं कि अल्लाह न करे कि पाकिस्तान के अंदर कोई गैर आइनी शबखून फिर ना आ जाए, जिसका बजाय कोई इम्कान नहीं है। ना अवाम का शऊर भी इतना बेदार है, मीडिया इतना बेदार है, और तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। मैं जमात इस्लामी की तरफ से ये वाज तौर पर कह रहा हूँ कि कोई गैर आइनी शबखून और कोई मावराए अदालत से किसी भी तरह का एडवेंचर वो किसी तरह कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही महाजराई और किस बात पे है? यानी ये महाजराई का एक ही उन्वान है और वो है करप्शन। ये करप्शन को बचाने के लिए
और उसको तहफ़ देने के लिए अदालतों से भी बाज आ रहा है, फौज से भी बाज आ रहा है, कौम से भी बाज आ रहा है, और खुद अपनी पार्टी से भी बाज आ रहा है। तो ये सूरत हाल जो है ये एक ऐसी जगह पे है कि जहां पर असल फैसला हुक्मरानों को करना है। नुमान साहब, आप इस बात से इत्तफाक करेंगे, और साथ में जो बात अदलिया की तरफ कही जा रही है कि अदलिया कोई ऐसा काम करे, 16 तारीख को अदलिया, हालांकि पिटिशन आप ही की है, अदलिया ने क्या करना है? बहुत से बहुत एक कमीशन बन जाएगा, वो तहकीक उतरेगी, हुकूमत ने जो है वो एक वो चिट्ठी लिख देनी है कि हम अपने जवाब दाखिल करेंगे, और ये वक्त तो यही चलता रहे। कि आप क्या समझते हैं कि अदलिया इस किस्म को कोई ऑर्डर कर देगी कि हुकूमत को उतार दिया जाए? देखिए, सबसे जो अहम बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़ा एक अच्छा रास्ता इख्तियार किया कि वो मेमोगेट स्कैंडल के ऊपर वो उन्होंने अदलिया से रुजू किया, जो कि एक आईनी इदारा है, पिलर ऑफ द स्टेट है, और ये हर पाकिस्तानी का हक है कि अगर वो अदालत से रुजू करना चाहे तो कर सकता है। इसी तरह जो बाकी मामलात हैं NRO के ऊपर, अदलिया की जो स्टेटमेंट आई है और जो फैसला आया है जिसका कुछ दिनों के बाद फाइनल फैसला आ जाएगा, ये तमाम चीज़ें अब कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर मौजूद हैं, और अदालत को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये कहना कबल अज़ वक्त है, और ये हमें कहना भी नहीं चाहिए। अदालत ने प्योरली ऑन लॉ ग्राउंड्स के ऊपर फैसला करना है, और जो लॉ कहेगा, जो पाकिस्तान का आईन होगा, उसके मुताबिक अदालत ने फैसला करना है। और मैं समझता हूँ कि तमाम इदारों को, तमाम इंडिविजुअल्स को अदालती फैसले की पाबंदी करनी चाहिए, और अदालत के फैसले का एहतराम करेंगे तो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत भी स्टेबल होगी, इस मुल्क के अंदर इदारे भी मजबूत होंगे, और इस मुल्क के अवाम को अगर कोई रिलीफ मिल सकता है तो इसी बुनियाद पर मिल सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुसलसल 4 साल मिले और बदकिस्मती से वो डिलीवर नहीं कर सके, वो अवाम की उमंगों पर पूरा नहीं उतर सके, और हमारा तो दिल ये चाहता था कि ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे, लेकिन आप देखेंगे जैसे मेमोगेट स्कैंडल आ गया, जैसे और बेपनाह स्कैंडल जो करप्शन के हमारे सामने, जो इदारों की तबाही की सूरत में, PIA की तबाही, पाकिस्तान स्टील की तबाही, रेलवे की तबाही, और जिस तरह पाकिस्तान का जो डॉलर का जो रेट है आज 91 रुपये का हो गया है, और जिस तरह फॉरेन रिमिटेंसेज की शॉर्टेज, और जो हमारा एक्सचेंज है और हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो मैं समझता हूँ फेलियर तो हालात फेलियर तो हमको दिख रहा है। मां साहब, फेलियर तो हमको दिख रहा है, लेकिन इस फेलियर से शब्द मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, ये जो फेलियर तो हम सबको, नवाज साहब ने सही फरमाया तमाम फेलियर हैं, ये तो फेलियर हम पिछले 3.5 साल से बात कर रहे हैं, इस हुकूमत के आने के 2-4 हफ्ते बाद फेलियर दिखने शुरू हो गए थे, लेकिन उस फेलियर से चेंज की बात भी हम 3.5 साल से कर रहे हैं, तो ये फेलियर का चेंज जो है मैं तो नहीं समझता अदालत का मामला है, लेकिन वो क्या जुडिशरी की जिम्मेदारी क्यों हो गई इसको संभालने की? दरअसल बात ये है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है, मुझे बड़ी खुशी हुई है फरीद प्राचा साहब की ये बात सुन के, ये अब किसी सूरत में गैर आईनी किस्म के इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। हालांकि जमात इस्लामी इज ऑन रिकॉर्ड, प्रोफेसर गफूर ने किताब लिखी 77 के बाद कि जी हमारे सारे मामला तय हो गए थे लेकिन रेफरी ने नहीं होने दिए। पॉइंट यहां ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज ब्लेम गेम में पड़ने की बजाय अपने हेडक्वार्टर्स में बैठकर कौम के लिए कोई माशी माशरती इस्लाही प्रोग्राम लेके आए। इनके पास प्रॉब्लम क्या है? इनमें से किसी के पास प्रोग्राम नहीं है, खाली चोर चोर के नारे हैं, एक दूसरे को मैं इनको चोर, ये एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं, अवाम तमाशा देख रहे हैं, और मुल्क की हालत दिगरगुं से दिगरगुं होती चली जा रही है। लेकिन अगर आज सियासतदानों को ये एहसास हुआ है, जो बहुत सेहतमंद बात है, कि भाई हम गैर आईनी रास्ते से कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है, पहली बात। दूसरा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो कल के बयान का वो हिस्सा है जो मुझे सबसे पसंद आया, और पहली दफा शायद किसी चीफ ऑफ आर्मी ने ये कहा हो कि आईन से ज्यादा मुकद्दस दस्तावेज उनके नजदीक कोई और नहीं है। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ ए पॉजिटिव थिंकिंग इन दिस कंट्री, मेरे ख्याल से। रहा सुप्रीम कोर्ट का मसला कि ये सब कहते हैं कि वो किसी के घर में डाका पड़ गया तो डाकू आ गए तो बीवी ने कहा मियां उठो, उसने कहा किसी और मर्द को बुलाओ। भाई बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जब अपना ऑपरेशन करें एक दूसरे के खिलाफ गालियां देने में, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में, तो उनको बैठ के, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के दोस्तों को बहुत पहले मशवरा दिया था कि आप 2-2.5 साल प्लान करें,
कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, इट्स म्युनिसिपलिटी वाइज, ये ना सेहत के लिए फॉर न। और आज जो पाकिस्तान में बुहरान है, ये जो पेन्स हैं, ये डेमोक्रेसी के पेन्स हैं। सब नहीं किया ना, नहीं किया, न करेंगे, क्योंकि ये सब इक्तदार के लिए जाते हैं GHQ के रास्ते। मैं इस पर जरा बात करना चाह रहा हूँ जी नवाज साहब। जी मैं इस पर ये बात करना चाह रहा हूँ कि अभी मेरे भाई ने कहा है कि ये सियासी जमातों के पास कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, कोई इनके पास डेवलपमेंट का इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं है। देखिए ये जो तरीकेकार इख्तियार करना कि आप खोते और घोड़े को बराबर कर दें और आप उसमें तफरीक ना करें, मैं समझता हूँ फिर ये सहाफत के साथ भी थोड़ी सी ज्यादती है। जब मियां नवाज शरीफ साहब का टेन्योर था 1997 से 1999 का, उस वक्त आप देखेंगे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, 8% डेवलपमेंट, एनुअल डेवलपमेंट चल रही थी और आपके पास बिजली सरप्लस थी, आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे एनर्जी को, और इंडिया के जो चीफ अपना प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ पर खुद चलकर आए कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्राम देखें और उसको इंडिया में जाकर इंप्लीमेंट करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उसके बाद तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही नहीं आई और 4 साल से सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। ठीक, इसलिए ये कहना कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास कोई पॉलिटिकल या कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोग्राम नहीं है, ये कबल अज वक्त बात है और ये बड़ी ज्यादती है। ओके साहब, मैं आपकी थमाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा करंट सिचुएशन पे मैं आपकी ओपिनियन चाहता हूँ। हर कोई आईनी गैर आईनी, आईन से ज्यादा मुकद्दस, जमहूरियत का तसलसल, जमहूरियत को डिरेल नहीं करने देंगे, वो सब ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। लेकिन क्या एक जमहूरी हुकूमत आईन के होते हुए इस कौम का गैर आईनी कत्लेआम कर दे और उसके बाद आप अदलिया से ये तवक्को करें कि वो आईनी तौर से फौज को कहें कि इनको उतार दो तो वो सही है, और अगर फौज खुद ये फैसला कर ले कि मैं उतारे देता हूं तो वो गैर आईनी है। लेकिन ये 18 करोड़ का जो कत्लेआम है, और इसको फिजिकल कत्लेआम ना कहें लेकिन स्पिरिचुअल और मॉरल कत्लेआम तो हो रहा है, वो आईनी है क्या? देखिए मैं आई विल स्पीक एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड सोशल साइंसेज। जी प्राचा साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे सियासतदान हैं और एक नजरियाती जमात से इनका ताल्लुक है और नवाज लीग से हमारे दूसरे मेहमान बैठे हैं। देखिए मैं हिस्टोरिकली ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में ये जमहूरियत में कोई पार्टी बिलीव नहीं करती, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये वन मैन शो है। और इन पार्टियों में पार्डन मी फॉर यूज़ ऑफ दिस वर्ड, दरबारी कल्चर है कि जो लीडर ने कह दिया वो सिर्फ सही है और वो गलत बात भी कहेगा, ये आपकी सारी पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, मैं यहाँ पे मुझे मैं मजबूर एक बात करने के लिए, जमात इस्लामी इससे अच्छा जमात इस्लामी से इसको मैं इस्तस्ना दूंगा, बिकॉज इस पार्टी में एक आइडियोलॉजी है, इसका एक सिस्टम है इलेक्शन का, इनके लीडर आते जाते हैं, ये नहीं पता होता अगला कौन आएगा, दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट। लेकिन इनके भी वो स्केलेटन्स हैं कबर्ड में। PNA की तहरीक हुई, निजाम मुस्तफा के नाम पर एक स्टेबल गवर्नमेंट को हटाया गया, फिर किसके लिए फायदा उठाया उसका भी इन्होंने साथ दिया। ये करंट सिचुएशन में क्या सलूशन? अच्छा करंट सिचुएशन में फिर आप ये दो दो दौर देख लें मोहतरमा के, जब पहली दफा वो आई उनको पहले फौज ने नहीं टिकने दिया आर्म ट्विस्टिंग की, फिर नवाज शरीफ साहब उस साजिश का हिस्सा थे IGI की जो बनी, ये रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने पैसे लिए, उन्होंने गलत तरीका इख्तियार किया आने का। पहले दौर में उन्होंने येलो कैब स्कीम डाली और उसमें बैंक्स डुबोए, वो उसमें देखिए माजी नहीं है, मैं इनके प्रोग्राम के हिसाब से बात कर रहा हूं। ओके ठीक है। सेकंड टेन्योर में जब उन्होंने धमाका किया, उन्होंने अच्छे काम भी किए, लेकिन एक रात पहले अपने सारे दोस्तों के डॉलर अकाउंट बाहर ट्रांसफर कर दिए, ये इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। 15वीं तरमीम लाना चाह रहे थे, अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे थे, सारी पावर्स लेना चाह रहे थे। नवाज शरीफ साहब के दौर में उस वक्त कहा जाता था सारे मुल्क में कि ये पंजाब के प्राइम मिनिस्टर हैं, पंजाब वाले कहते थे ये लाहौर के प्राइम मिनिस्टर हैं, लाहौर वाले कहते थे ये मॉडल टाउन के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक आप कोई बता दे 1999 में क्वेटा का एक दौरा किया हो, कराची आए हों, NWFP आए हों या कहीं भी, मतलब उस वक्त ये कहीं नहीं गए। अच्छा कारगिल का डिसक्रेडिट इनको जाएगा नवाज शरीफ साहब को। इन्होंने अगर परवेज मुशर्रफ को August 1999 में सैक कर दिया होता तो ये अखलाकी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त होता। अब की सिचुएशन अच्छा अब की सिचुएशन ये है, जमहूरियत में अभी भी ये पार्टियां, इनका मत डेफिनेशन इनकी ये है, इफ आई एम इन पावर जमहूरियत है, मुझे कोई हटाएगा वो गैर जमहूरी है, वो गैर आईनी है। नवाज शरीफ साहब लेकिन इस वक्त मियां साहब भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे, बिकॉज उनको खतरा इस वक्त ये है कि कहीं कोई तीसरा प्लेयर वो रेफरी ना आ जाए कोई, ठीक है, इसलिए वो नहीं कर रहे। अदरवाइज अच्छा प्राचा साहब ने एक बात कही, करप्शन, ये बड़ा एक बज़वर्ड बन गया है हर चीज में करप्शन। आई विल से करप्शन नामी कोई चीज नहीं होती,
गवर्नमेंट एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी पे जानी जाती है। 18 करोड़ आवाम इस वक्त गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी से तंग है। किसी को गरज नहीं है कि ये कितना पैसा गिलानी साहब ने बनाया या जरदारी साहब के उसमें है, आप उस पर कितना वो करते रहे, कितना पैसा वापस आ जाए, लेकिन आपकी रेलवे बैठ गई है, आपका स्टील बिल कोलैप्स कर गया है, आम आदमी के लिए बेरोजगारी है, महंगाई, तो मसला वो है, मसला वो है एक्चुअली। और तो उसके ऊपर काम है। मैं ये बात प्रेस साहब, ये एवीएम आबिद राव साहब जो कह रहे हैं, जो मेरा भी मौकफ है कि आईनी गैर आईनी, जमहूरी गैर जमहूरी से इस वक्त हम आगे निकल गए। हमें तो कोई भी किसी तरीके से कोई रिलीफ मिल जाए, कहीं कोई रोजगार मिल जाए, कहीं कोई मुल्क की साख में सालिमियत में कुछ हो जाए, तो क्या वो अफाका नहीं समझा जाएगा? अच्छा, मैं नहीं चाहता था कि मामलात बहुत ज्यादा माजी के अंदर ही चले गए। सर मुस्तकबिल में रहिए, सर माजी को छोड़े, हाल और मुस्तकबिल पे। लेकिन अब चूंकि बात की गई है तो मैं दो तीन जुमलों में ही बात करूंगा। ये जो बात की गई पीएनए में और फिर प्रोफेसर गफूर और आप जमहूरियत में यकीन नहीं रखते, ये खुद है पीएनए की तहरीक, मुजाकरात की मेज पे आना प्रोफेसर गफूर साहब का, और एक मुजाकरात होते रहना और एक तसलसल के साथ एक फार्मूले पे चले आना, और उस फार्मूले के बन जाने के बाद दस्तावेज के बाद फिर भुट्टो साहब का उस पर दस्तखत न करना और बैरूनी दौरे पे चले जाना, ये सारे के सारे वाकयात में तो ये बात बड़ी वादे है कि हमारी तरफ से तो मुज़ाकरात थे, हमारी तरफ से तो डायलॉग थे, हमारी तरफ से तो मफाहमत थी, और भुट्टो साहब ने इसका मौका जो है वो दिया जो ताले आसमा जर्नैलों को। अब मैं इस बात को छोड़ते हुए मैं इस वक्त के हालात, अच्छा मैं एक बात यहाँ एक जुमला मैं कहना चाहूंगा। माजी में अगर हम देखते हैं तो हर जमात से कोई ना कोई शिकायत की जा सकती है और वो बहस हम सारा दिन कर सकते हैं कौन बेहतर था। इस वक्त अवाम की जो नजरें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी जो एलाइड पार्टियां हैं उनके अलावा हर पार्टी जो कि हुकूमत में है नहीं है, अवाम उनकी तरफ देख रही है कि वो कोई लीडरशिप का रोल प्ले करते हुए अवाम को इस मामले में रिलीफ देंगे, इसलिए यह सवाल है मेरा आपसे। फरमाइए ये मैं इसी का जवाब देता हूं कि हमने एक तो मंशूर दिया है, यानी ये जो सवाल था कि क्या प्रोग्राम है, तो जमात इस्लामी ने सबसे पहले मंशूर दिया है, हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। माजद साहब मैं आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूं। इस वक्त जो रिलीफ हमें चाहिए है, या तो इस गवर्नमेंट से काम कराया जाए या इस गवर्नमेंट को निकाला जाए, दो सूरतें हैं, या तो ये हमारे काम करें या फारिग हो। ये पहला जो है वो आपने ऑप्शन कैसे रख लिया है, आप किस तरह से इनसे तवक्को रखते हैं? वो कहते हैं कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता, जिनके नस नस के अंदर करप्शन दाखिल है। हमारे भाई कह रहे थे कि करप्शन की बात नहीं है, 1.5 अरब डॉलर जनाब जरदारी साहब का एनआरओ के जरिए से माफ हुआ है या हुआ था, जिसको आप अदालत में खत्म कर दिया। 350 मिलियन डॉलर का जनाब वजीर आजम का है, और इसी तरह से ये अरबों रुपए हैं, अगर ये मुल्क के अंदर वापस आते हैं, और क्यों ना वापस आए, ये मुल्क के अंदर वापस आते हैं तो क्या उसके साथ मुल्क की हालत नहीं बदलेगी? क्या ये बिजली का बहरान जो आवाम के ऊपर ही सारे बोझ डाल रहे हैं, ये गैस की लोड शेडिंग और आवाम के ऊपर ही सारे बोझ हैं, यह IPPs को रकम नहीं दी जा रही और उसी की वजह से बिजली का बहरान है, ये जो कुएं नहीं खोदे जा रहे और पैसा ना होने की वजह से ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, यानी लोग इसी तरफ देख रहे हैं और इनसे कोई तवक्को नहीं है। कोई आदमी पाकिस्तान में अब इस बात पे यकीन, खुद पीपल्स पार्टी का कारकुन भी इस पे यकीन नहीं रखता कि ये हालात ठीक करेंगे या ये महंगाई बेरोजगारी बदअमनी और इससे हमें जो है वो निजात देंगे, इनसे कोई तवक्को नहीं है। अच्छा नुमान साहब, मैं आपकी तरफ वापस आना चाहूंगा। आपने सही फरमाया कि गैर आईनी कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटा सा वक्फा लेना है, मैं सवाल आपके सामने पेश करता हूं, वापस आकर आपसे इससे जवाब लेंगे। गैर आईनी कोई काम ना हो, लेकिन आईन में यह भी लिखा है कि अवाम के बस में है कि प्रोटेस्ट करें। अवाम कहती है कि वो लीडर हो तो हम प्रोटेस्ट करें, तो जैसे पराचा साहब ने फरमाया कि अगर ये कुछ करते तो हम खुशी से मर ना जाते, लेकिन बात यह है इन्होंने जब नहीं करना ये फैसला हो गया तो फिर आप ही खुदारा कुछ कीजिए। ऑप्शन नंबर टू, सुप्रीम कोर्ट ने 6 ऑप्शन दी, 2 ऑप्शन मैं भी पेश करता हूं, या इनसे काम करवा लीजिए या इनको फारिग कर दीजिए। एक छोटा सा वक्त ले लीजिए।